आप विश्वास करेंगे कि एक नोट में छेद से एक सेठ ने अपने कर्मचारी के लाखों की चोरी पकड़ी। जी हाँ, ये सच है। और दुकान में काम करने वाला ही शातिर चोर निकला, जो सेठ के गले की डुप्लीकेट चाबी से नोटों को पार कर रहा था। सेठ को भनक ही नहीं थी, लेकिन जब छेद वाला नोट लेकर खुद वो कर्मचारी अपने सेठ से ये पूछ बैठा कि सेठ जी नोट चल सकता है, तो सेठ को चक्कर आ गया। कैसे आप खुद इस दुकान मालिक नितेश कुमार से सुने कैसे चोरी पकड़ी गई? एक डोर हमारा शॉप का है, तो प्राइवेट डोर है अपना। कभी इमरजेंसी में कुछ छूट गया, रात बिरात कहीं आते हैं, संडे को शॉप बंद होता है, कुछ काम पड़ गया और वो आते हैं तो पापा, तो ये वो क्या किया ना, वो डोर का एक चाबी था, वो चाबी ये डुप्लीकेट बनवाया, वो चाबी डुप्लीकेट बनाया, बाकी वो यहाँ का सिस्टम समझा और बैक डोर से वो घुसता था। तो प्रतिदिन मतलब जब इसको पैसा की जरूरत पड़े तो उतना आया पैसा, यहाँ गल्ला से निकालता था। अच्छी टाइप की कटिंग है ये नोट, उसके लिए काल बन गया जो हमारे गड्डी में मैंने इसको दबा के रखा था। मैंने सोचा था ये किसी ने दे दिया और ये नोट वो मुझे खुद लेके बोलता कि भैया ये नोट बैंक में चलेगा। मैंने सोचा ये तो नोट हमारा है, इसके पास कैसे आया। तो मैं अपनी गड्डी को चेक किया, मैं बड़े रुकों में देखता हूँ, जब मैं देखा तो ये नोट था ही नहीं। और जब गड्डी काउंट किया, जो 50,000 की गड्डी हमारी थी उसमें, तो अब वो मैंने काउंट किया लगभग 34,000 रुपये निकला, 16,000 रुपये उस टाइम गाय। और CCTV फुटेज हमारे पास जो आ रहा है वो महीने भर में ये लड़का लगभग 18 से 20 बार ये मंथली घुसता था। तो अब 16-17,000 गलती से एक बार गायब है, काफ़ी हिसाब हमारा गायब था। हमारा जो कारोबार है होलसेल का, तो काफ़ी ऐसे अमाउंट आते हैं जो हम उस नगद अमाउंट को बैंक में 4 बजे के बाद जमा नहीं कर सकते, वो हमारे काउंटर पर ही रहता है क्योंकि अगले दिन सुबह में करते। बट ये लड़का रातों रात पैसा को गड़प कर जाता था, तो वो तो असंभव था। लेकिन वो तो हमारा जो बीसीस उसे मालूम चल जाता कि कितना पैसा गायब हुआ क्या हुआ, वो निकला। तो सुना आपने कैसे एक नोट में छेद से दुकान मालिक नितेश कुमार समझ गए कि वही नोट है जो उन्होंने रुपयों की गड्डी में लगाकर लॉकर में रखे थे। अब ऐसे नोट में एक छेद ने लाखों की चोरी का पर्दाफाश कर दिया।